गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोटी झलक। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर साइंस सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 8। योर चैप्टर 3 इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 तक देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन 3 से। उसके पहले एक बार फिर से क्वेश्चन 1 एंड 2 देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कोल्ड सिंथेटिक। तो इसमें क्या है कि दैट आर सम फाइबर्स मैन में सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। क्या यूज करके बनाते हैं? केमिकल्स। दिस आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। दिस आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ दैट जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, चलो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रीलिक एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 2 है, मार्क द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्या है कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। तो आपको तीन ऑप्शन दिए है। फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। सेकंड है इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प। एंड थर्ड है इट्स फाइबर्स कैन आल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो क्या आएगा आंसर? इट इज ऑब्टेंड, कहां से ऑब्टेंड होता है? इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प। क्वेश्चन 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर। तो क्या आएगा? आर्टिफिशियल भी है और मैन मेड फाइबर भी है। सेकंड नंबर की ब्लैंक है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस द फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कोल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। सी नंबर का है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो ये हमने चैप्टर में देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 4 है कि गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट द नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या है कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन फाइबर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, यूज्ड टू क्लाइंबिंग रॉक्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। तो वो भी देखा था कि वो पैराशूट बनाने में भी यूज होता है एंड क्लाइंबिंग रॉक्स, क्लाइंबिंग करने के लिए जो रॉक्स होती है उसमें भी उसका यूज होता है क्योंकि नायलॉन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। देयर यूजेज शोज दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नायलॉन फाइबर्स के पास क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो क्या है इसमें कि द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर कौन सी है? फर्स्ट है लाइट वेट। उसका वेट कैसा है? लाइट वेट है। लोअर प्राइस, प्राइस भी कैसी है? लोअर है। थर्ड नंबर का स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी कैसी है? गुड। एंड इजी हैंडलिंग, वो कैसा होता है? इजी हैंडलिंग भी होता है। कितने? 4 टाइप है। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 में क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो किसका डिफरेंस लिखना है? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये चैप्टर में देखा था कि थर्मोप्लास्टिक के कौन से टाइप्स है एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी कौन से है। तो देखते हैं पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बैंड इजीली। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो इजीली बैंड नहीं होते। इट में ब्रेक बैंड फोर्स द टू बैंड। वो क्या हो जाता है? बैंड करते हैं, जब हम बैंड करने में फोर्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का फर्स्ट पॉइंट? तो द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी बैंड इजीली। वो इजीली बैंड
नहीं होता, इट में ब्रेक वन फोर्स टू बैंड। सेकंड पॉइंट है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, वो सॉफ्ट नहीं होता बाय हीटिंग, हीटिंग करते हैं तो भी सॉफ्ट नहीं होता। दस इट कैन नॉट बी रिशेप्ड वन मोल्डेड, वो फिर से रिशेप्ड नहीं होता। तो क्या है कि सेकंड पॉइंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दस इट कैन नॉट बी रिशेप्ड वन मोल्डेड। चलो सेकंड देखेंगे, थर्मो प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली, थर्मोप्लास्टिक इजीली बैंड होता है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड इजीली बाय हीटिंग, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हीटिंग से इजीली सॉफ्ट हो जाता है। दस इट कैन बी रिशेप्ड, उसका रिशेप्ड देना है तो भी फिर से दे सकते। तो उसके भी दो पॉइंट है, क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली, वो इजीली बैंड होता है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड इजीली बाय हीटिंग, दस इट कैन बी रीशेप्ड। इसमें क्या है, सेवन नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सुपर हैंडल्स एंड बी है इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड्स। तो ए है कि सीक्वेंस हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो किससे बने हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, क्योंकि ये प्लास्टिक कैसा है, वो हीटिंग होता है तो भी सॉफ्ट नहीं होता। ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स सच एज बेकलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है। देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, इसके लिए किसमें यूज होता है इसका, तो मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विच प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा, किसमें किसमें यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विच एंड प्लग बोर्ड्स में यूज होता है। क्वेश्चन ए, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकल हुआ है वो भी लिखना है, जो मटेरियल उसकी कैटेगरी लिखना है कि ये रिसाइकल होते हैं और ये रिसाइकल नहीं होते। चलो कैन नॉट बी रिसाइकल में क्या, कौन से मटेरियल आएंगे, जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है वो, तो कैन नॉट बी रिसाइकल में हम लिखते हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर के जो हैंडल होते हैं वो भी, एंड इलेक्ट्रिक, आगे ही क्वेश्चन देखा उसमें कि कौन से रिसाइकल नहीं होते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है वो, तो जो रिसाइकल नहीं होते उसमें कौन कौन आएगा, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर के जो हैंडल होते हैं वो, एंड जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है वो, एंड कैन बी रिसाइकल, तो कौन से रिसाइकल होते हैं, तो इसमें क्या है कि जो प्लास्टिक टॉयज होते हैं वो, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक चेयर्स, कैरी बैग्स, जो बैग हम कैरी करते हैं वो, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स पर जो प्लास्टिक कवरिंग होता है वो, बॉल पॉइंट पेंस एंड प्लास्टिक बॉक्स, वो क्या है, कैन बी रिसाइकल है। क्वेश्चन 9 है, रामा वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन, तो राणा क्या उसका रीजन देते हैं, तो राणा शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन, किससे बना हुआ, कॉटन से, दिस इज बिकॉज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि कॉटन क्या है, जो वाटर होता है उसका गुड एब्जॉर्बर है, इट कैन सॉक एंड स्वेट कमिंग आउट ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट, दस इट हेल्प्स द इवापोरेटिंग द लिक्विड स्वेट, thereby कूलिंग अवर बॉडी, वो बॉडी को क्या देते हैं, कूलिंग देते हैं कॉटन, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन
कोरोसिव इन नेचर। इसके एग्जांपल देना है तो गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नेचर में प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है, उसका एग्जांपल देना है और बताना है। तो क्या है कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। क्या है कि प्लास्टिक आर नॉन कोरोड इवन इफ दे कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विथ मोस्ट मटेरियल्स। तो उसके एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द क्लीजनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल। वो हम किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड बी द हैंडल्स एंड ब्रेड्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। एक्सप्लेन योर आंसर, आपका आंसर एक्सप्लेन करना है। नो, द हैंडल्स एंड ब्रेड्स ऑफ अ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है। द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश, जो टूथब्रश का जो हैंडल होता है शुड बी हार्ड। वो कैसा होता है, हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, क्या है जो टूथब्रश का हैंडल होता है वो कैसा होता है, हार्ड भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। व्हाइल द ब्रिस्टल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जो क्या है कि जो उसका ब्रिस्टल्स है वो कैसा होता है, सॉफ्ट भी होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो क्या आएगा उसका आंसर कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल इयर्स टू डीकम्पोज। डीकम्पोज होने में सेवरल इयर्स लगते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक एडेड टू द, तो हमने पैराग्राफ में वो टेबल था उसमें देखा था कि कितने कितने ईयर्स कौन सी चीज डीकम्पोज होने में लगता है। प्लास्टिक एड टू द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, दे कैन नॉट बी बर्न्ड एज व्हेन बर्न्ड दे रिलीज पॉइजन गैसेस। वो क्या, वो प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं तो क्या वो रिलीज करता है पॉइजन गैसेस। जो प्लास्टिक बैग होती है थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेलोड बाय एनिमल्स। जो हम गार्बेज में डालते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्वेलोड कर जाते हैं। लाइक काउस, जो काउस होती है वो। दिस प्लास्टिक बैग्स शॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इवन प्रूव फैटल। Therefore, we should avoid plastic as far as possible. जो प्लास्टिक की चीज है उसको हम उसे हमें क्या करना है, avoid करना है। Question number 13 है, match the following. तो match the following में column A and column B दिए। तो column A में first क्या है, polyester, teflon, third है rayon and fourth है nylon. तो चलो रे, पॉलिस्टर है फर्स्ट। तो पॉलिस्टर में क्या आएगा, डी नंबर का आंसर आएगा, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। ठीक है, सेकंड नंबर का है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन में क्या आएगा आंसर, सी नंबर का, यूज्ड टू मेक नॉनस्टिक कुकवेयर। नॉनस्टिक कुकवेयर में उसका यूज होता है। थर्ड नंबर का है रेयॉन। तो रेयॉन का आंसर क्या आएगा, ए नंबर का आपको कॉलम बी में फर्स्ट क्या दिया है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। तो वुल पल्प से वो प्रिपेयर किया गया है। एंड फोर्थ नंबर का है नायलॉन। तो नायलॉन में कॉलम बी का ऑप्शन आएगा। तो बी नंबर में क्या है, यूज्ड फॉर नायलॉन के बारे में हम अभी देखा क्या है, नायलॉन का यूज किसमें होता है, वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में भी यूज होता है एंड पैराशूट बनाने में भी नायलॉन का यूज होता है। क्वेश्चन 14 है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट करना है। तो क्या है कि रॉ मटेरियल्स फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। क्या है जो रॉ मटेरियल्स है, फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव, किसमें डिराइव किया गया, फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। दिस लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स। वो क्या है, जो रॉ मटेरियल्स हैं एंड जो सिंथेटिक
रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेनली क्या है वो पेट्रोकेमिकल्स है. हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हेल्प्स इन द किसमें हेल्प करता है तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में. क्वेश्चन 15 है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो थर्मोप्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर, उसके बारे में क्या करना है, ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है. तो क्या है कि वी विल डिजाइन अ सर्किट टू दिस दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या करेंगे हम ये सर्किट की डिजाइन ड्रॉ करेंगे टू सी द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्मोप्लास्टिक है जो वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है कि नहीं, इसके लिए हम सर्किट की डिजाइन ड्रॉ करेंगे. वी नीड अ बल्ब. किसकी जरूरत पड़ेगी, अ बल्ब, सम वायर्स की भी जरूरत होगी, और बैटरी यानी कि बैटरी की भी, एंड पीस ऑफ मेटल का पीस की, एंड प्लास्टिक पाइप. सेट अप सर्किट फर्स्ट विद द मेटल एंड देन विद द प्लास्टिक पाइप. क्या है, किसके साथ सेटअप करना है, तो फर्स्ट विद द मेटल, जो मेटल का पीस है वो, एंड विद द प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक की पाइप से. आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोस इन अ फॉर्मर केस. मतलब ये केस में बल्ब ग्लो होता है कि नहीं. इन लेटर केस, उसके बाद के केस में द बल्ब डज नॉट ग्लो. इसमें बल्ब ग्लो होता है मेटल में, मेटल का जो हम मेटल से वो सर्किट ज्वाइंट करता है तो बल्ब ग्लो होता है. आपको भी पता है कि प्लास्टिक से ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है. नो, विच इज थर्मोप्लास्टिक इज शोन बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल का जो पीस है वो उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, एंड प्लास्टिक में बल्ब ग्लो होगा नहीं. तो इधर आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म होती है.